प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हाँ सी में हमें प्रोग्राम कैसे परफॉर्म करना है, और हमने एक बेसिक प्रोग्राम देखा था और प्रिंट टाइप और स्कैनिप के फंक्शन का यूज क्या होता है वो हमने देखा था। ओके, तो आज हम देखेंगे कि हाँ जो हमारे फर्स्ट तीन प्रैक्टिकल्स हैं वो हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल इज अ राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स एज अ कैलकुलेटर एडिशंस मल्टीप्लीकेशंस डिविजन्स एंड सबसेक्शंस। ओके, तो ये चार जो ऑपरेशंस है वो हमें परफॉर्म करने हैं, जो ऑलरेडी जो हम फंक्शंस है ऑपरेटर्स है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये ऑपरेटर्स का यूज करके हमें ये फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, नाउ सेकंड वन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पे एरिया का इक्वेशन ऑलरेडी इन लोगों ने दिया है, एच इंटू बे इंटू 0.5। ओके, तो ए क्या है, एरिया है, एच क्या है, हाइट है, और बी इज अ बेस। एंड द थर्ड प्रैक्टिकल, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। आई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, पी क्या है, हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिए है वो, देन आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज द नंबर ऑफ इयर्स। ओके, तो ये तीन प्रैक्टिकल्स आज हम देखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम देखेंगे हमारा पहला प्रैक्टिकल्स। ओके, तो फर्स्ट वन इज अ राइट प्रोग्राम। तो यहाँ पे वी आर यूजिंग अ मल्टी लाइन कमेंट टू राइट अ प्रोग्राम। परफॉर्म एज अ कैलकुलेटर। फर्स्ट वन इज एडिशन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल। यहाँ पे हमने हमारी जो मल्टीपल लाइन कमेंट थी वो क्लोज की। नाउ स्टार्ट विद द हेडर फाइल्स, इंक्लूड क्या था, स्टूडियो डॉट एच। सेकेंड वन इज इंक्लूड कॉन्यूर डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कॉन्यूर डॉट एच यानी कंसोल इनपुट आउटपुट। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन वॉइड मेन। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट वन हमें चार ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, तो वो चार वेरिएबल्स, उसके बाद दो वेरिएबल्स जो हमें ऑपरेट लेने हैं, वेरिएबल्स एक्स की वैल्यू लेनी है, वाई की वैल्यू लेनी, तो वो चीज। ओके, तो नाउ इंटीजर एक्स वाई एड सब मल एंड डिवीजन। ओके, दिस आर द टोटल सिक्स वेरिएबल। उसके बाद क्लियर स्क्रीन। नाउ प्रिंट एफ एंटर द फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद हम यहाँ पे हमारी यूजर साइड से वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्कैनएप फंक्शन यूज करेंगे। ओके, द स्कैनएप परसेंटेज डी परसन ए एक्स। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल लिया है उसकी वजह से। नाउ सेकंड वेरिएबल प्रिंट एफ, यहाँ पे हम यूज करेंगे एंटर द सेकंड वैल्यू। scanf percentage d address of y। ओके, उसके बाद क्या आएगा, प्रिंट एफ एडिशन रिजल्ट x प्लस y इज। यहाँ पे
पहले हम क्या कराएंगे, एडिशन, एडिशन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। तो यहाँ पे एड, नाउ सब्सट्रैक्शन, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे हम एक और प्रिंट अप स्टेटमेंट यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन रिजल्ट ऑफ, एक्स माइनस वाई इज परसेंटेज डी एंड सब्सट्रैक्शन, ओके दैट्स इट। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एक्स इंटू वाई, ओके। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट एक्स इंटू वाई इज परसेंटेज डी एंड मल वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पे हमने तीन, और उसके बाद डिवीजन, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, यहाँ पे डिवीजन रिजल्ट एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज परसेंटेज डी डिवीजन, ओके दैट्स इट। और उसके बाद गेट सी एच, ओके। तो यहाँ पे हमने जितने भी हमारे ऑपरेशंस थे वो हमने करवा दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रैक्टिकल हमें सेव करना है, तो फाइल में जाना है, सेव करना है, और यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल 1 लिखना है, यानी PRA वन, ओके, प्रैक्टिकल 1.c। उसके बाद हमें पहले तो कंपाइल करना है, ओके। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, वार्निंग्स नहीं आई। उसके बाद हमें हमारा प्रोग्राम रन करना है, ओके। नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ओके। तो हम क्या डालेंगे, चलो डालेंगे 40, वंस अगेन, क्योंकि हमने मैंने प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक की थी। ओके एंड द फर्स्ट वैल्यू इज 12 एंड द सेकंड वन इज 6, ओके। द रिजल्ट इज, एडिशन रिजल्ट इज 18, सबसेक्शन रिजल्ट इज 6, मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज 72 एंड द डिवीजन रिजल्ट 2, ओके। यहाँ पे जो आउटपुट है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वन यहाँ पे हम स्लैश एन यूज करेंगे, उसके बाद स्लैश एन। तो स्लैश एन क्या है, वो न्यू लाइन के लिए, जो हमारा आउटपुट जो न्यू लाइन में नहीं आ रहा था उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइन यूज करेंगे, ओके। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है आउटपुट के वक्त। ओके तो दिस इज द रिजल्ट, एडिशन रिजल्ट इज 18, सबसेक्शन इज 6, द मल्टीप्लिकेशन इज 72 एंड द डिवीजन रिजल्ट इज 2, ओके। मल्टीप्लिकेशन 72 एंड डिवीजन रिजल्ट इज 2, ओके। तो दिस इज आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ आवर सब्जेक्ट, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट अ सेकंड प्रैक्टिकल, ओके। तो हमारा सेकंड प्रैक्टिकल क्या है वो हम देख लेते हैं। सेकंड प्रैक्टिकल है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, राइट प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच इंटू 0.5, ओके। तो ये है हमारा सेकंड प्रैक्टिकल, ओके। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हेडर फाइल लेंगे, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच,
सेकंड वन इज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, नाउ वॉइड मेन। ओके तो यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल लेने, तो फर्स्ट वन इज एरिया के लिए जो हमें रिजल्ट चाहिए, देन बेस के लिए और हाइट के लिए, तो यहाँ पे हमें तीन वेरिएबल लेने हैं। तो फर्स्ट वन इज इंटीजर एरिया, बेस एंड हाइट। ओके नाउ सीएलआर एससीआर क्लियर स्क्रीन। उसके बाद हमें जो ऑपरेशन से वो लिखना है, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट इनटू 0.5। ओके तो ये हमारा इक्वेशंस। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेस और दोनों चीजें हमें स्कैन करवानी पड़ेगी। एंटर द बेस फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, स्कैन ऐप करना यूज करना पड़ेगा, स्कैन ऐप परसेंटेज डी देन एम परसेंट एरिया सॉरी बेस। ओके तो ये बेस के लिए हो गया। अभी नाउ सेकंड वन इज एंटर द हाइट फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके तो ये हो गया हाइट के लिए। नाउ योर रिजल्ट, तो यहाँ पे पहले हम स्लैश एंड कर देंगे, जो प्रीवियस में हमने एक मिस्टेक मैंने गलती से नहीं मैंने देखने के लिए की थी वो। ओके तो उसके बाद स्लैश एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज परसेंटेज डी देन एरिया। ओके उसके बाद गेट सी एच। तो ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल जिसमें हमें एरिया फाइंड करना था। ओके तो पहले क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। ओके तो कंपाइल के लिए क्या है, इक्वेशंस अल्टा प्लस F9। ओके नाउ कंट्रोल प्लस F9। ओके तो राइट द बेस फॉर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 25। ओके नाउ हाइट, यहाँ पे हो गई हाइट ये 10, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया 125। ओके तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सेकेंड प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकल हमने सेव करना भूल गए, तो ये प्रैक्टिकल भी आपको सेव रखने हैं, मुझे भेजने हैं स्क्रीनशॉट और नोट में लिख के प्रैक्टिकल 2.c। नाउ स्टार्ट विद द थर्ड प्रैक्टिकल, राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ओके ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन दिया है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि हाँ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का इक्वेशन क्या है, द आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। वहाँ पे पी क्या है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स। ओके और हमें आई फाइंड करना है। ओके तो नाउ हम सी प्रोग्राम में जाएंगे। ओके फाइल में जाके न्यू। ओके पहले हम क्या कर देंगे, प्रैक्टिकल सेव कर देंगे। प्रैक्टिकल 3.c। ओके नाउ यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट यूज करेंगे, तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके सिंपल इंटरेस्ट। नाउ तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ओके उसका इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे हम लिख देते हैं, होप सो सबको मालूम है, तो भी आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। ओके
तो ये है इक्वेशंस, यहाँ पे हम, चलो मैं मल्टीप्लिकेशंस का यूज कर देता हूँ, पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ओके। तो ये है हमारा इक्वेशन इंटरेस्ट फाइंड, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, दो एडर फाइल्स यूज करेंगे, स्टूडियो डॉट एच, एंड द कोन्यू डॉट एच। उसके बाद हम हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, वॉइड मेन। आप कोई भी प्रोग्राम लिखो तो पहले ये तीनों चीज आप लिख दो। फर्स्ट वन इज वॉइड मेन, हेडर फाइल्स, देन हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट, और ये हमने गेट सी एच, ओके। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर, और इनों के बीच में हमें यहाँ पे हमारा मेन जो प्रोग्राम है वो उसका लॉजिक लिखना है, ओके। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल चाहिए, पी प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं वो हमें इंटरेस्ट में फाइंड रखने हैं वो, और जो इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है वो, ओके। तो यहाँ पे आईज लिखेंगे, पी लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, आर लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एन लिखेंगे नंबर ऑफ इयर्स के लिए, ओके। तो ये हमारे वेरिएबल हो गए चार। उसके बाद क्या लिखना है, हमारा प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करना है, प्रिंट एफ, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट हम स्कैन करवाएंगे, कितनी हमें प्रिंसिपल अमाउंट लेनी है, तो परसेंटेज डी एम परसेंट पी, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना रखना है, या कितना हमें मैथमेटिकल जो हमारा क्वेश्चन है उसमें दिया गया है, एंटर द रेशियो और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो, ओके। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कैलकुलेशन करने के बाद स्कैन में परसेंटेज टी, यहाँ पे एम परसेंट आर। उसके बाद हो गया हमारा नंबर ऑफ इयर्स, हमें नंबर ऑफ इयर्स हमारे सिंपल इंटरेस्ट में कितने रखना है, या मैथमेटिकल जो फॉर्म इक्वेशन दिया है उसमें कितना दिया है, एंटर द एन और इयर्स। उसको हम स्कैन करवाएंगे, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम परसेंट एन, ओके। तो ये हो गए हमने तीन जो वेरिएबल्स थे, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ इयर्स कितने रखने हैं, वो तीनों हमने स्कैन करवा दिए। उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100, ओके। तो पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ओके। उसके बाद हम रिजल्ट प्रिंट करवाएंगे, रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज परसेंटेज टी और आई, ओके। तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट को जो हमने, जो हमारा प्रैक्टिकल था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सी प्रोग्राम में, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और पहले हम कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद हम उसको रन करेंगे। तो एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 लाख, ओके। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 7.5, ओके। तो एंटर द नंबर ऑफ इयर्स, ओके, यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, ओके। यहाँ पे हम जो हमने एन लिया था वो हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी है, जस्ट वेट मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाँ मैं जो एन लिया है वो एन की जगह पे हम कोई और वेरिएबल लेते हैं, ओके।
उसके बाद हम सेव करेंगे, उसके बाद हम कंपाइल करेंगे पहले तो। उसके बाद हम रन करेंगे, एंटर दम। तो हमने यहाँ पे 20 डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 6-7 डाला और नंबर ऑफ इयर्स हमने 3 डाला। ओके, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 267। ओके, तो ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये था हमारे 3 प्रैक्टिकल्स। ओके, तो ये कैसे फाइंड करने आपको पता चल गया है। हमने यहाँ पे एक गलती कर दी थी कि हाँ हमने जो रेशियो था, ओके, वो मैंने फ्लोट में डाल दिया था। ओके, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल आप जो रेशियो है उसको हम फ्लोट में लेके भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाँ यहाँ पे जो आर है उसको हम फ्लोट में ले लेते हैं। ओके, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी, जो वैल्यू आएगी ना रिजल्ट की, वो भी हम फ्लोट में ले लेते हैं। तो एग्जैक्टली हमें रिजल्ट पता चलेगा आई एंड आर। ओके, तो आई को हम क्या करेंगे यहाँ पे, आर को हम परसेंटेज एफ यूज करेंगे, और जो हम रिजल्ट यहाँ पे लाएंगे ना उसको भी हम परसेंटेज एफ यूज करेंगे। ओके, नाउ उसके बाद हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं F2 करके, उसके बाद हम कंपाइल करते हैं। ओके, उसके बाद हम रन करेंगे, एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट 5.6 और नंबर ऑफ इज 3। ओके, तो दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो दिस आर द 3 प्रैक्टिकल्स जो हमने आज देखे। ओके, आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं टर्बो सी में, एज वेल एज एक फाइल पेज में लिखना है। ओके, फाइल पेज में लिख के स्कैन करके मुझे अपलोड करना है। ओके, तो ये टास्क है वो आपको पूरा परफॉर्म करना है बिफोर मंडे। ओके, तो आपको पहले 3 प्रैक्टिकल्स आपको मंडे से पहले परफॉर्म करके अपलोड करने हैं। थैंक यू।